नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अभी भी ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि वे स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर लौटने के 2 असफल प्रयासों के बाद भी अंतरिक्ष यान से जुड़े हुए हैं। यह अंतरिक्ष यान ISS से जुड़ा हुआ है। दोनों को पहले 14 जून और फिर 26 जून को स्टार लाइनर से उड़ान भरनी थी, लेकिन हर बार उनकी वापसी रद्द कर दी गई, क्योंकि अंतरिक्ष यान में हीलियम लीक और खराब थ्रस्टर सहित कई हार्डवेयर समस्याएं थीं। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने 21 जून को कहा कि वे विमान पर छोटे हीलियम सिस्टम लीक और थ्रस्टर प्रदर्शन का प्रबंधन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम अपना टाइम ले रहे हैं और अपने स्टैंडर्ड मिशन मैनेजमेंट टीम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इस मिशन को अमेरिकी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और निजी कंपनी के प्रवेश के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। बोइंग से पहले एलन मस्क की कंपनी SpaceX ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाया था। आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट अंतरिक्ष यान क्या है। बोइंग की वेबसाइट CST-100 स्टार लाइनर को स्पेस कैप्सूल के रूप में वर्णित करती है, जो लोगों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा और वहां से वापस लाएगा। LEO का मतलब पृथ्वी केंद्रित कक्षाएं हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर या उससे कम है। नासा के अनुसार इसे सुविधाजनक परिवहन, संचार, अवलोकन और पुनः आपूर्ति के लिए पृथ्वी के काफी निकट माना जाता है। स्टार लाइनर का अंतरिक्ष यान नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया था। यह LEO मिशनों के लिए 7 यात्रियों या चालक दल और कार्गो के मिश्रण को समायोजित कर सकता है। यह 6 महीने के टर्नअराउंड समय के साथ 10 बार तक पूर्ण उपयोग योग्य भी है। इसका महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि नासा ने 2011 में अपना स्पेस शटल कार्यक्रम बंद कर दिया था और प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें शामिल होने की आवश्यकता थी। 2012 में SpaceX का ड्रैगन अंतरिक्ष यान ISS से कार्गो लाने और ले जाने वाला पहला कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट बन गया। 2020 में यह मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने और उन्हें वापस लाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। अब जानते हैं कि स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान अभी भी अंतरिक्ष में क्यों है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपण में देरी ऑक्सीडाइजर के प्रवाह को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार अंतरिक्ष यान वॉल्व में पाई गई समस्याओं से जुड़ी थी। अंतरिक्ष यान पर ऑक्सीडाइजर ऐसे रसायन होते हैं जो रॉकेट को लिफ्ट ऑफ के दौरान और दहन में सहायता करके रॉकेट के मार्ग को बदलने में मदद करते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शुरुआती समस्या छोटी सी लग रही थी। हालांकि रॉयटर्स के अनुसार 5 जून को उड़ान भरने के बाद से कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो चुके हैं, 5 पैंतरेबाजी थ्रस्टर्स बंद हो गए हैं और 1 प्रणोदक वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है, जिसके कारण अंतरिक्ष में मौजूद क्रू और ह्यूस्टन में मौजूद मिशन मैनेजरों को मिशन के बीच में ही इसे ठीक करने में अपेक्षा से ज्यादा समय लगाना पड़ा। तो अब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का क्या होगा? दरअसल अंतरिक्ष यान 45 दिनों तक डॉक पर रह सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ऐसी आपूर्ति और अन्य सामग्रियां हैं जो कई महीनों तक चल सकती हैं। इसलिए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को तत्काल कोई खतरा नहीं है। दी गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं, तो उन्हें SpaceX के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस आना पड़ सकता है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर लाया जा सकता है, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी अगले ऐसे मिशन के हित में पहले समस्या की प्रकृति को समझना चाहती है। आज का प्रश्न सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्यों फंसे हुए थे? ए. हीलियम रिसाव और थ्रस्टर में खराबी के कारण। बी. अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी हिस्से में टक्कर के कारण। सी. वे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वहां फंसे हुए थे। डी. खराब मौसम के कारण। अपना उत्तर कमेंट में दें।